नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूँ आर के सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के दिनारा में उपस्थित हूँ और ये दिनारा का करमैनी गांव है और करमैनी गांव में होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जय कुमार सिंह का यहां पर आगमन होने वाला है। तो आइए मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यह कार्यक्रम किसके माध्यम से इस गांव में किया जा रहा है। नमस्कार सर, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए इस कार्यक्रम के विषय में। कि होली मिलन समारोह है, आज जितने भी यहाँ पूरी पंचायत बलिया के इसके आयोजक किए हैं राजा सिंह जी और अजय तिवारी जी, जितने हम लोग मुख्य अतिथि साथी आए हैं प्रखंड से, सभी इस पंचायत के और आयोजककर्ता के हम लोग धन्यवाद देते हैं। देखिए, बरसों से जो गांव की एक परिपाटी थी और खूबसूरती थी कि होली मिलन समारोह और संस्कृति कार्यक्रम से समाज को जो जुड़ने का एक प्रयास था, उसको जीवंत बनाने वाले ही लोग हैं। उन लोग की विचार जो आया कि भाई पूरी दिनारा विधानसभा के कोने से अपने जो भी विशिष्ट व्यक्ति हैं और पॉलिटिकल व्यक्ति हैं जो समाज के नेतृत्व करते हैं, इस माध्यम से आए और आज होली मिलन के समारोह के रूप में एक प्रेरणा लेते हुए एक समाज के नई विस्तार करें। तो सर, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में आज के दिन आप समझते हैं कि होली क्यों मनाया जाता है, माने अधर्म के ऊपर धर्म का विजय। तो आज हम लोग आपस में छोटी छोटी गलतियां जो होती रहती है, आपस में समरसता पैदा हो और गांव बेहतर और राज्य बेहतर के लिए हम लोग अपना सोच स्थापित करें और मिलजुल कर जो भी गलती होता है साल में उसको निपटा करके नए साल की हम लोग शुरुआत करें। यहाँ पर सर देखने को कुछ साजबाज की भी व्यवस्था है, कार्यक्रम है, माध्यम तो यही है इकट्ठा करने के लिए। होली मिलन कोई तो केंद्र बिंदु कीजिएगा, तो माध्यम तो वही है सांस्कृतिक कार्यक्रम। धीरे धीरे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम लुप्त होते जा रहा है, तो इसीलिए ना हम लोग कहे कि आयोजककर्ता के सभी मिलकर हम लोग धन्यवाद देने के लिए आए हैं इसको जीवंत बनाने के लिए जो ये लोग आयोजन किए हैं। आज देखिए कितनी खूबसूरत है, बाबा जी से रंग लेके गले मिलेंगे, आपस में छोटी छोटी जो गलती होती है वो भी अपना आदमी भुला कर रंग लगाता है, अबीर लगाता है, खुशी मनाता है, दुश्मनी को भुला कर एक दोस्ती का रंग यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि तिलक लगाया जा रहा है गुलाब के साथ में और यहाँ पर बहुत सारे समाज सेवी, ग्रामीण जनता, जनप्रतिनिधि इस मंच के माध्यम से उपस्थित हैं और यही वो मंच है जहाँ पर मंत्री जी आएंगे और इस होलन मिलन समारोह का मुख्य अतिथि के रूप में वह क्या बोल रहे हैं उस दृश्य को मैं आपको दिखलाने का प्रयास करूँगा और आप हमारे कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वह क्षण है, यही वह सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं झाल ढोल और ताशे के साथ में और यहीं से सरस्वती पूजा समाप्त होने के बाद में यह होली का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तो यहीं से आज स्टार्ट किया जाएगा होली मिलन समारोह। ठीक, आ